हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, यहां पे बात करने वाले हैं एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक की जिसमें भी आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है कुछ साल पहले तो बहुत हैवी रिटर्न इस स्टॉक ने आपको डिलीवर करके दिए हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जिन लोगों ने स्टॉक नहीं लिया है उन लोगों को क्या बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए, हर चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए ऐसे ही स्टॉक्स बताने की कोशिश करता हूं जो कि फ्यूचर में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिखा सकें, ताकि आप लोग भी स्टॉक मार्केट से अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर स्टॉक के प्राइस की, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा 558 के आसपास इस स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी थी। अगर हम लोग बात करें एक महीने के रिटर्न की, तो एक महीने में नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे लगभग 6% के आसपास के। 6 महीने की रिटर्न प्रोफाइल को देखें तो 15 से 16% की तेज़ी हम लोगों को देखने को मिलेगी इस स्टॉक में। एक साल में कोई भी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, मात्र 5% की तेज़ी इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग मैक्स रिटर्न की प्रोफाइल देखें तो आप लोग देख सकते हैं 2010 से इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टरों का पैसा 341 टाइम से भी ज़्यादा कर दिया है। मतलब कि लगातार अपने इन्वेस्टर का पैसा मल्टीप्लाई करता जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से इस स्टॉक में तेजी आती हुई नहीं दिखाई दी है। आप लोग देख सकते हैं 2017 में इस स्टॉक का हाई था 952 के अराउंड, और 2017 से अभी भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा, और 558 के अराउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों ने 2017 के अराउंड इस स्टॉक को लिया होगा वो थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा निराश होंगे इस स्टॉक को लेकर। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, इस कंपनी में अभी कोई इतनी बड़ी कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है जिसके चलते आप लोग हताश होकर इस स्टॉक को बेच दें। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो लगातार 43.76 की मेंटेन करके रखी हुई है। वहीं पे FIIs लगातार इस स्टॉक में बाइंग करती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग देख सकते हैं 13% का स्टेक हुआ करता था जो कि 17% हो चुका है। DIIs ने भी 3.13% का स्टेक था पिछले क्वार्टर में, जिसको बढ़ा के 4.35 का कर दिया है। तो मतलब कि लगातार बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक में बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो और एक दूसरी चीज़ है वो भी आप लोग देखेंगे कि बहुत साल पहले इसका डेप्टर डे बहुत हुआ करता था, 15 दिन, 36 दिन, 41 दिन हुआ करता था, अब मात्र 6 दिन है। तो इसमें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ही इंडिकेशन देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें बोरोइंग की, तो केवल और केवल 4 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है कंपनी के पास। मतलब कि डेप्थ फ्री कंपनी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के पास रिजर्व 1748 करोड़ के आसपास के हैं। मतलब कि इतना कैश कंपनी के पास अवेलेबल है, अगर वो डेप्थ पे करेगी तो बिल्कुल भी उसके रिजर्व को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो डेप्थ फ्री कंपनी आप लोग देखने को मिल सकती है। 10 सालों से आप लोग देख सकते हैं 60% के CAGR से अपने इन्वेस्टरों का पैसा ग्रो करके दिखाया है कंपनी ने, लगातार आउट परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। बस पिछले 3 साल से हम लोग बोल सकते हैं कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस इस स्टॉक के देखने को नहीं मिली है। वहीं अगर आप लोग बात करें इस स्टॉक के प्रॉफिट ग्रोथ की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2017 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ करता था 2017-18 में 446 करोड़ का हुआ करता था। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली 2019 में 274 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2020 में 346 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2021 में 360 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब कि कंपनी ने निगेटिव रिटर्न नहीं दिखाया, मतलब निगेटिव ग्रोथ नहीं दिखाई। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट में कमी जरूर आई है, लेकिन ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कंपनी बंद हो गई है या फिर कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं करके दिखा रही। थोड़ा सा एवरेज हम लोगों को कामकाज देखने को मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास ये स्टॉक है उन लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ऐसा होता रहता है, किसी भी कंपनी में थोड़ा सा निगेटिव फेस या फिर हम लोग बोल सकते हैं खराब सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर स्टॉक अच्छा है, कंपनी बेहतरीन है, तो आप लोगों को होल्ड करनी चाहिए, और डेफिनेटली जो लोग नए इन्वेस्टर हैं उन लोगों को ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। हर स्टॉक में गिरावट होती है, आप लोग देख सकते हैं IRCTC भी कोविड के सिचुएशन में बहुत गिरा था, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक भी बहुत गिरे थे। 2008 में बजाज फाइनेंस बहुत गिरा था, उसमें भी बहुत सारी गिरावट आ चुकी है, लेकिन पैसा उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन लोगों ने उस स्टॉक को होल्ड करके दिखाया है। तो आप लोग इसको होल्ड करिए, जिन लोगों को नया इन्वेस्टमेंट करना है वो लोग भी डेफिनेटली इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक आपको देखने को मिलता है। हालांकि अभी आप लोगों को स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलेगी जिसका नाम है अवंती फीड। जी हाँ दोस्तों, 7000 करोड़ के आसपास का
मार्केट कैप है इसका नाम अवंती फीड, आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग इस स्टॉक को जानते होंगे, बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक होगा क्योंकि बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक इसने अपने आप को बना के रखा हुआ है मार्केट में। तो डेफिनेटली आप लोगों को इस स्टॉक को स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एनालिस्ट से राय एक बार जरूर ले लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।